अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और प्रॉपर्टी टॉक में इस वक्त हम मौजूद है जी स्ट्रेट 99 पर DHFA 7 में। और आज हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरशाद मेहू साहब। आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सुनहरी मौका है, जहाँ पे फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट की जाए। सो मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मोहम्मद अरशाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अरशाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरशाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कितने अरसा दराज से आप स्ट्रेट 99 पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं? हम मार्केट में माशाल्लाह तकरीबन कोई 10 साल से मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सेल परचेज़ का, जिसके हवाले से हम इसमें नॉलेज। इन फ्यूचर बेसमेंट पैसे से पैसा कमाना, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में जो बिज़नेस है प्रॉपर्टी का, वो एक को सबसे अपर क्लास में आता है। अच्छा अरशाद साहब, बताइएगा आपकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, किस चीज़ को ज़रा डील कर रहे हैं आप? फार्म हाउसेज़ को कर रहे हैं, DHA को कर रहे हैं या अदर सोसाइटीज़ को कर रहे हैं? हम इस टाइम प्रॉपर DHA को डील कर रहे हैं, DHA आल पाकिस्तान और DHA जो लाहौर है प्रॉपर, हम इसको प्रॉपर तरीके से डील करते हैं। और इसमें सेल परचेज़ का एक मुकम्मल इदारा है स्टेट 99, इसके हवाले से हम काम करते हैं। और DHA में हमारा एक कारोबार का एक नाम है, एक इदारा है। ठीक है जी। अच्छा अगर DHA मुल्तान की बात की जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? DHA मुल्तान या गुजरांवाला या बहावलपुर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ स्टेशन जो बात कीजिए 9 PRISM, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोकेशन वाइज वो कैसा है? 9 PRISM को अगर देखा जाए किनाल के हिसाब से, एक क्लाइंट है मिडिल क्लास, अगर उसने किनाल के घर में रहने की उसकी सकत है, तो 9 PRISM हम देखते हैं कि लुकन बहुत हार्ड है। अच्छा नॉर्मली प्लॉट कितने का मिल जाता है फेस, ये जो 9 PRISM जिसकी बात कर रहे हैं? 9 PRISM में अगर आप देखते हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट आपकी 2+ में है तो किनाल में मिल जाता है। एक किनाल की बात कर रहे हैं? हाँ जी जी। 9 PRISM जो है उसमें हमारा किनाल का जो प्लॉट है 2 के राउंड अबाउट हमें मिल जाता है, 3+ में भी चला जाता है। हार्ड लोकेशन में आप लेते हैं, कॉर्नर लेते हैं तो वो मज़ीद अच्छा चला जाता है। अगर 10 मरले में देखते हैं तो वहाँ पर 60-70 में अच्छी चीज़ मिल जाती है। और अगर 5 मरले में आप देखते हैं 1 करोड़ 5 1 करोड़ में 90 के 85 के राउंड अबाउट, 75 में भी जे ब्लॉक में रिंग रोड के करीब मिल जाता है। तो ये क्लाइंट का है कि बजट उसके, उसने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। वो अगर इन्वेस्टमेंट से कंप्रोमाइज़ करता है तो उसमें ऐसी लोकेशन भी हैं कि जो। अच्छा सर, अगर अदर सोसाइटीज़ की बात की जाए, अब जितने भी हर एक के पास करोड़ों का बजट नहीं है, तो लो बजट में आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि कहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट? कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा अमूमन होता है लोगों के पास, तो उनको देखना चाहिए कि अपने पास जो अदर सोसाइटी है, जो अपने पास सोसाइटी जो उसको अप्रूवल करती है, जो उसके करीब लगती है, तो उसमें वो छोटी इन्वेस्टमेंट करे। और ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री वाला प्लॉट फेक होता है या सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पाकिस्तान का एक दायरा है और पाकिस्तान एक कानून तहफ़ करता है, तो पाकिस्तान के तहफ़ रजिस्ट्री इंतकाल प्लॉट पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास बजट कम है तो आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका लो बजट है तो हम फेज़ 8, फेज़ J ब्लॉक या 9 Town है हमारे पास, DHA ने बना दिया हुआ है, फेज़ 7 है, और इसके अलावा बहुत सी इन्वेस्टमेंट है कि लो बजट में हम आपको वहाँ बजट करवा देते हैं। जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं CTV न्यूज़ पर, अगर आपने किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी हो, प्लॉट लेना हो, घर लेना हो या फार्म हाउस लेना हो, तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा स्ट्रेट 99 एक बातमाद इदारा है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा सर आपने काइंडली नंबर्स भी बता दीजिएगा, टेलीफोन नंबर्स, और स्क्रीन पर जो नाज़रीन आपको नंबर्स आ रहे हैं इन नंबर्स पर लाजमी रब्ता कीजिएगा। अरशाद साहब के डायरेक्टली ये नंबर्स हैं, और अपनी ऑफिस की लोकेशन भी बता दीजिएगा ताकि DHA की फैमिलीज, गुलबर्ग मॉडल टाउन गार्डन टाउन की फैमिलीज आपके ऑफिस में आ सकें। हमारा जो ऑफिस है स्टेट 99, वो अपना फेज़ 7 T ब्लॉक में, इसकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल आसान और अप्रोवल है। मेन बिलवाड़ है फेज़ 6 का DHA का, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। फेज़ 7 T ब्लॉक CCA 4 CCA 5 कमर्शियल में हमारा ऑफिस है। अदरवाइज़ और आप जिधर से भी आते हैं तो उसमें आपको आसानी आप हम तक पहुँच सकते हैं। और आप
जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के प्रॉपर्टी टॉक के स्पेशल गेस्ट मोहम्मद अरशाद मियो, इनका नाम था, और मैं मौजूद हूँ स्टेट 99 पर DHFA 7 में। सो अगर आपने वंस अगेन आपको बता चलूँ किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी हो तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं स्टेट 99 के डायरेक्टली ये नंबर्स हैं, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और रब्ता भी कर सकते हैं। सो दोबारा हाजिर हूँ प्रॉपर्टी टॉक प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।